हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। दोस्तों कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने दाल चावल भिगो दिए हैं और दाल भी भिगो दी है। तो चावल में मैंने अभी पानी डाल दिया है और अभी उसमें मैं घी डाल के उसे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। चावल में घी डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और काफ़ी मीठे मीठे चावल लगते हैं। तो ये मैंने जो दो नए कुकर लिए थे उसमें से ये एक कुकर है। तो देखिए बहुत ही क्यूट क्यूट सा छोटा छोटा सा हमारा कुकर देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कुकर। ये दोनों बहुत ही अच्छे कुकर आए हैं मेरे। तो अभी यहाँ पर दाल में मैंने सिंग दाना और टमाटर डाल दिए हैं और मेथी दाना डाला है साथ में। अभी इसमें हल्दी पाउडर और हींग डाल के इसे बॉईल करने के लिए रखती हूँ। इसमें थोड़ा सा जब भी उबाल आएगा तो मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी ताकि ये जब भी सीटी बजे तो सारी दाल उबर के बाहर ना जाए, इसीलिए। तो अभी इसे मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। हमारे कुकर मैंने दोनों रख दिए हैं, दाल और चावल के, और मैंने आटा भी निकाल दिया है। तो ये ढोकड़ी के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। तो इसके लिए पहले हमें नमक डालना है आटे में। अभी इसमें हमें अजवाइन डालनी है। ढोकरी में अजवाइन बहुत अच्छी लगती है जिससे डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। इसे इस तरह से मसल के डालते हैं। अभी इसमें हमें हल्दी पाउडर डालना है। आपका जितना आटा रहेगा उस हिसाब से हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें लाल मिर्च भी डालते हैं लेकिन मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं मेरे वैसा। तो मैं अभी इसमें तेल डाल के इसका आटा भून लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं अभी इसमें राई डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा और अभी गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और अभी इसमें हींग डालनी है चुटकी भर। छोटू सा तेज पत्ता में डाल रही हूँ और अभी ये तड़का इसमें डालना है और अभी इसे मिक्स कर लेना है हमें। और अभी इसे उबलने देना है। तो अभी दाल में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो मैंने जो आटा भुना था उससे मैंने ढोकली बना दी है। तो मैंने ढोकली आज सेक के मैंने बनाई है। तो जब भी ढोकली आप बेलते हो तो उसके बाद इसे तवे पे थोड़ा आगे पीछे ऐसा करके सेक लीजिए। तो सेकने के बाद जब भी आप इसमें ढोकली ये डालोगे तो चिपकती नहीं है ये बिल्कुल से भी। तो अभी इसके मैं छोटे छोटे से टुकड़े करके डालती हूँ। आप डायरेक्ट भी रोटी बना के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल सकते हो। तो जिससे क्या होगा ना कि उसका भी टेस्ट अलग आता है, इस तरीके से बनाओगे तो उसका भी टेस्ट अलग आता है। तो मैं हर तरीके से बनाती हूँ। तो अभी इसके मैं छोटे छोटे से टुकड़े कर लेती हूँ। तो ये सेकी हुई ढोकली भी बनती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। कई बार कई लोग स्टफ ढोकली भी बनाते हैं तो मेरे घर में वो सबको नहीं पसंद आती है लेकिन इस तरीके की ढोकली सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं ऐसी ढोकली ज़्यादा बनाती हूँ। तो अभी ये जो छोटे छोटे हमारे पीस हो गए ढोकली के, उसे हमें ये जो ढोकली उबल रही है उसमें सीधा डाल देना है क्योंकि दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है और ढोकली को भी हमने थोड़ा सा सेक लिया है। तो अभी दाल में जाते ही ये अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए दाल अभी उबलना एकदम से ही शुरू हो चुकी है। देखिए तो अभी इसमें गैस की फ्लेम में अभी स्लो कर रही हूँ और अभी ये जो ढोकली है उसे इसमें डाल देना है। ये प्रोसेस हमें बहुत ही फास्ट करनी है नहीं तो जो पहले डाली थी वो ढोकली पक जाएगी और जो हमने बाद में डाली है वो ढोकली नहीं पकेगी। इसीलिए ये प्रोसेस हमें बहुत ही फटाफट से करनी है। तो मैं सारी ढोकली इसमें डाल देती हूँ। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर दाल हमारी उबल चुकी है अच्छे से। अभी सबसे आखिर में हमें इसमें धनिया पत्ती डालनी है और हमारी दाल ढोकली अभी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी सबके लिए मैं खाना परोस देती हूँ।
फ्रेंड्स, हमारा खाना खा के हो चुका है, मेरे बर्तन भी मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं, किचन मेरा क्लीन हो चुका है और अभी वक्त आ चुका है ये वीडियो को यहीं पर एंड करने का। तो अगर दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए रखिए आप अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।